Sarubhadya. Om Ajnanati Miram Dasa Jnananjana Salakaya Chaksur Unmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Nama Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Istadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Nama Pancha Kalpataru Vaksa Kripa Sindhu Bhai Vacha Patita Ananga Pavanibhu Vaisnavibhu Namo Nama Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tushi Nama He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Bhupesha Bhupika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sukha Devi Pranama Hari Priya Vrindaya Kulasi Devai Priyaya Savasacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatai Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Kula Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Sarapratham Mary Guru Pada Padma Nitri Labar Vishnam Vishnu Pada Shtodara Satasri Sri Sri Madhu Bhakti Sri Roop Siddhanti Goswami Maharaj Vicharna Kamalame Ananta Kati Sashtanga Dandavat Pranam Gartha Tatpashat Mary Sikhya Guru Pada Padma Nitri Labar Vishnam Vishnu Pada Shtodara Satasri Sri Sri Madhu Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj Vicharna Sarajame श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ हरे कृष्णा श्रीला प्रभुपाद को कोई भक्त प्रश्न करते हैं क्या प्रश्न कर रहे हैं बोले कृष्ण सेवा व्यतीत की जीवेर जन्न कौन कृतनाई सेवा की करे पावो समझ गए क्या बोल रहे हैं जीवन में भगवान की सेवा हमें कैसे मिलेगा क्या कृष्ण सेवा को छोड़ करके जीव का और कोई कर्तव्य नहीं है क्या ये प्रश्न है तो इसका कृष्ण सेवा को छोड़ करके व्यतीत जीव का कोई और कोई कर्तव्य समझता हो करना इसका और कोई कर्तव्य नहीं है और कुछ करना नहीं है क्या और सेवा की करे पावो ये प्रश्न है तो इसके इतर उत्तर में प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण सेवा व्यतीत नित्य कृष्ण दास जीवेर अन्य कौन चेष्टा नाई कहते कृष्ण सेवा को छोड़ करके जीव का और कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए बोले क्यों जब महाप्रभु को सनातन गोस्वामी ने दो प्रश्न किया था क्या दो प्रश्न किया था कि आमी के नमरे जारे तापत्र है यह ना ही जाने कही चे ये दो प्रश्न है मतलब मैं कौन हूँ संसार में तो कोई दुख को निमंत्रण नहीं देते हैं लेकिन बगैर निमंत्रण के ये दुख कष्ट क्यों आता है ये दो प्रश्न किया था तो महापुरुष का उत्तर क्या दिया याद है जीवेर स्वरूप है कृष्ण दास जीवेर तटस्था शक्ति मेधाधर प्रकाश कृष्ण बलि सही जीव अनाथ वैरमो अतेव माया धर देह संसार को जितने दुख कष्ट का मूल कारण है जीव का जो असली स्वरूप है जीवर कृष्ण नित्य दास हम भगवान का ही नित्य दास है ऐसे नहीं दो दिन के लिए नित्य दास है कहते उनके नित्य ही दास है हम हाँ जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं ममैवांस जीवलोके जीवभूत सनातन जो जीव है वो मेरा ही अंश है भगवान का ही अंश है बोले ये दुख कष्ट का कारण क्या है बोले एक ही कारण है
कृष्ण भोली सही जीव अनादि भैरव, क्योंकि कृष्ण को अनादि काल से भगवान को भूल चुका है, इसलिए उनको बहिरंगा शक्ति बोले लो भगवान का सेवा छोड़कर अपना भोग चाह रहे हो, अभी तुमको मजा चखाता हूँ। उन्होंने क्या किया, ये संसार रूपी कारागार दुर्गा ने दुर्ग बनाया, संसार ये दुर्ग मतलब कारागार है, बास के कारागार उन्होंने डाल दिया। इसमें त्रिशूल से, त्रिशूल मतलब आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक, ये तीन तरह का जो दुख कष्ट को ये हमें प्रदान कर रहे हैं। बोले क्यों ये दुख कष्ट क्यों देते हैं, कभी जेल क्यों बनता है, इसलिए बनता है उसको सुधारने के लिए, जीव को सुधारने के लिए। अगर उसको डंडा पड़ेगा, पिटाई होगी और दुख कष्ट वो करेगा तो सोचेगा भैया और नहीं चाहिए, ये संसार हमें नहीं चाहिए, ठाकुर जी आपकी हमें सेवा चाहिए, आपकी हमारी सेवा प्रदान करो। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी, जिनी भगवान ओ गुरुदेव अचला सदा विशिष्ट ताहार ही हृदय परमार्थ विषय का सत्यवाक्य प्रकाशित है। मतलब किसके हृदय में इस जितना सारे शास्त्र के तात्पर्य और सही बात किसके हृदय में प्रकाशित होता है, मतलब उसके हृदय में होता है भगवान और गुरुदेव अचला भक्ति विशिष्ट, जिनको गुरुदेव और भगवान के चरण में जिनका भक्ति अचला, अचला मतलब जिनकी भक्ति कभी डगमगाने नहीं है, जिसका भक्ति कभी डगमगाता नहीं। लेकिन हम लोगों को क्या हो जाता है, थोड़ी सी कोई इधर उधर चीज देखे ना, बात सबसे पहले हमारे मन में शंका आ जाती है, हमारे हृदय में शंका, भगवान और गुरुदेव का प्रति हमारे हृदय में झट शंका आ जाती है। जैसे पार्वती शंकर जी के चरण में शंका की, शंकर ही समझा ही नहीं यही परम ब्रह्म यही परात्पर तत्व है, लेकिन तभी बोले हम लिखी बढ़िया ऐसे मालूम, हम तो परीक्षा करके रहो। बास उठने सीता का रूप धारण करते हुए परीक्षा किया और सही पकड़ा गया तो क्या हुआ, फिर जाकर के शंकर जी से फिर झूठ बोल दिए, झूठ बोल दिए तो उनकी वो जीवन को नष्ट होना पड़ा, लास्ट में उनको शरीर त्याग देना पड़ा, अंतिम समय में सती की त्याग देना पड़ा। इस जो शंका है, इसलिए शास्त्र में बताया संशय आत्मा विनश्यति, जिनके मन में शंका आती है वो विनाश का कारण बन जाता है। जैसे एक समय भगवान राम मालपुआ खा रहे थे, इतने में काकभूषुंडी प्रभु को दर्शन करते हुए वो कौआ काकभूषुंडी पास में आए, इतने में भगवान राम ने मालपुआ को बढ़ाया, कौआ ने अपना चोंच से मालपुआ को छीन लिया, तो छीन लिया प्रभु राम तो करने लग गए। अभी गरुड़ काकभूषुंडी के मन में शंका आ गया, ये क्या सचमुच में वही प्रभु, साधारण मैंने मालपुआ को छीन लिया तो उसने क्या करे, रो रहे हैं रो रहे, क्या सचमुच ही है मेरे प्रभु, नहीं साधारण कोई बालक है। भगवान समझ गए मेरे ऊपर में इनकी मेरी बाल्य लीला देख करके, अभी काकभूषुंडी समझ नहीं पाए, उसको प्रमाण कर दिखाने के लिए भगवान ने हाथ बढ़ाया, इसकी शंका दूर हो जाए, उन्होंने हाथ बढ़ाया, इतने में काकभूषुंडी उड़ चला, लेकिन देखा वो जो हाथ है ना उसको पीछा नहीं छोड़ रहा है, चतुर ब्रह्मांड में उसने भ्रमण कर लिया लेकिन उसको हाथ नहीं पीछा छोड़ रहा है। करते 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 उसने धड़ांग करके गिरा, कहाँ गिरा, धड़ांग करके हैं काकभूषुंडी ने जहाँ पर भगवान बैठ करके मालपुआ खा रहे थे उसने वहीं पर गिरा, गिरा तो देखा भगवान बैठ करके मालपुआ खा रहे, फिर उसको प्रमाणित हो गया नहीं ये भगवान है, ये भगवान। इसलिए गरुड़ जी का भी शंका हो गई, कब जब नागपास का बंधन में बांध दिए, अभी गरुड़ जी आकर जब मुक्त किए बल्कि ये भगवान कैसे, अगर मेरे प्रभु होते तो मैंने आकर उनका नागपास बंधन को मैंने काटा तभी प्रभु को मुक्ति मिली, क्या सचमुच से ये भगवान है कि नहीं, अभी उसके मन में शंका हो गई, शंका हो गई तो अभी कहते संशय आत्मा विनश्यति, अभी उसको मन में चैन नहीं, क्योंकि भगवान के प्रति जिसको शंका हो जाए, भगवान तो मूल आधार है,
और उसको चैन कहाँ से मिलेगी? बेचैन, मन में कोई शांति नहीं, मन में कोई शांति नहीं, उदास होकर के इधर भाग रही इधर भाग रही। फिर उन्होंने गया ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी बोला, भैया क्योंकि इसको मैंने बड़ा अभिमान था, बोलो इसको मनवाई, हम भगवान का बाहर हैं, भगवान को हम पीठ के ऊपर ले जाता हूँ तभी भगवान चलते हैं, उसको मैंने बड़ा अभिमान था। अरे भैया, चिड़िया का भाषा तो चिड़िया समझे, हैं पक्षी की भाषा तो पक्षी समझ सकता है, मैं तो नहीं समझ सकता हूँ। शंकर जी को भी पास मिल गए, उन्होंने एक ही बात होता है, क्योंकि जो कौवा होता है ना चंडाल, जाति में इतने पक्षियों में ये कौवा चंडाल है, हैं कौवा को पक्षी में सबसे निकृष्ट मानी जाती है, वो काकभुशुंडी। और जो ये भी गरुड़ जी, ये भी कौन है? गिरिध है, जो गरुड़ जो है ना गिर है, कहते ये भी पशु पक्षी में क्या कहता है, रहता था बड़े ऊपर में, लेकिन उसको नज़र कहाँ पर है? नीचे नीचे, नज़र चढ़ा हुआ चीज में। इसलिए बोले इनके मन में जो अभिमान है, ये अभिमान इनकी चकना चुर होनी चाहिए। बोले भैया, आप पक्षी का भाषा तो पक्षी समझ सकता है, हमने पक्षी को पास में जाओ। बोले कहाँ? बोले गरुड़ जी काकभुशुंडी को पास में। जब उसने काकभुशुंडी को पास में गया और उन्होंने अपना संशय की बात बताई, बोले प्रभु का प्रति मेरी संशय हो गई, मेरा मन बड़ा उदास है, मन में शांति नहीं। अरे कौआ काकभुशुंडी फिर बताए, बोले मेरे मन में भी ऐसे संशय हो गया था, अगर आपका अंदर में कोई विपत्ति, आप किसको पास में जाओ, अगर वो बोलता है भैया जीवन में मुझे भी ऐसे कभी विपत्ति आया था, पर आप क्या पूछोगे, आपको ये विपत्ति से मुक्ति कैसे मिले, ये पूछोगे ना विपत्ति से मुक्ति कैसे मिले। फिर काकभुशुंडी अपना कथा सुना, मेरे मन में ऐसे हुआ, प्रभु तो मेरी शंका को उस समय दिए, कहते प्रभु की ये नर्मत लीला है, ठाकुर जी का ये नर्मत लीला है, लेकिन प्रभु का जो लीला है जन्म कर्म चने एवं एवं जह व्यति तत्वतः पुनर्जन्मे भगवान की जन्म कर्म अपराकृत दीप, इसको जो जान लेते हैं, शरीर छोड़ने के बाद दोबारा शरीर धारण नहीं करते, इसलिए प्रभु का लीला नित्य। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, जो भगवान और गुरुदेव का प्रति अचला श्रद्धा विशिष्ट, मतलब जिनकी श्रद्धा कभी डगमगाते नहीं, इसका कभी श्रद्धा डगमगाते नहीं है, गुरुदेव और श्री ठाकुर जी का प्रति, ताहारई हृदये परमार्थ विषयक सत्य वाक्य प्रकाशित है, उसके हृदय में ही जो परमार्थ तत्व, जो भगवत भक्ति तत्व है, सत्य वाक्य जो सच चीज, तभी हृदय में प्रकाशित होता है। इसलिए बोले जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्से कथिता जर्ता प्रकाशन्ते महात्मन, उसके हृदय में ही सारे तत्व ज्ञान की स्फूर्ति होता है। किसके हृदय में? यथा देवे पराभक्ति, जैसे देवता में हमारी सर्वश्रेष्ठ भक्ति, ऐसे श्री गुरु जी में ही ऐसे भक्ति होनी चाहिए। बल्कि कहते उत्तम भक्त वह है जितना भक्ति भगवान से, उससे ज्यादा भक्ति होनी चाहिए गुरु जी में, कहते उत्तम भक्त है उत्तम भक्त। कहते यदि न हमारा सेवा विग्रह श्री गुरुदेव के श्री चैतन्य देवेर सहित अभिन्न बलिया उपलब्धि करते पारिब, सही दिन ही हमादेर श्री गौर सुंदर सेवा लाभ हरिवे। कहते महाप्रभु का सेवा हमें कब मिलेगा, कब मिलेगा? बोले जे दिन हमारा सेवा विग्रह श्री गुरुदेव के, कहते जो गुरुदेव कौन है, हैं कहते जे दिन हम गुरुदेव को सेवा विग्रह श्री गुरुदेव को श्री चैतन्य देवर सहित, कहते श्रीमान महाप्रभु के साथ में गुरुदेव को क्या देखना, अभिन्न बोलिया उपलब्धि करते पारी, गुरुदेव एवं श्री महाप्रभु को क्या करनी चाहिए, उनको अभिन्न रूप में जब हम दर्शन करेंगे। इसलिए श्री मन शिक्षा में बताए ना क्या श्लोक है, सची सुनो नंदी
नंदीश्वर सुतत्ते गुरु वरम परम अजर सविनु मनो। वहाँ पर बताए गुरुदेव को क्या समझनी चाहिए, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं गुरुदेव को हमें ये समझनी चाहिए श्रीमन महाप्रभु ये अत्यंत अत्यंत प्रियजन, अत्यंत अत्यंत ये प्रियजन है। सही दिन ही हमारे गौर सुंदर सेवा लाभ है वे, जब श्री गुरुपाद पद्म को हम महाप्रभु का अभिन्न करके उपलब्धि कर पाएंगे कि उसी दिन महाप्रभु का सेवा में प्राप्त हो सकती हैं। सही दिन हमारा श्री राधा गोविंद निवृत सेवा लाभ करीबार सौभाग्य आए। राधा कृष्ण का जो निवृत सेवा है निकुंज में ठाकुर जी जो नित्य सेवा कर ठाकुर का सेवा है तभी प्राप्त होने का हमें सौभाग्य तभी प्राप्त होगा। इसलिए महान तो गुरुदेव के जो साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य देव निज जन बोलिया उपलब्धि हन। कहते गुरु कितने तरह का है, कितने का गुरु है, चार तरह का गुरु बताए। पहला हो गए प्रदर्शक गुरु, जो हमें सर्वप्रथम जिसको साथ में हमारी परिचय हुआ, जिससे हमें भगवान की कथा सुनने को मिली, कथा सुनते 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 हमें ठाकुर के प्रति श्रद्धा हुई है। इसलिए जो सर्वप्रथम हमें वर्तमान तो रास्ता जिसने सबसे पहले जो रास्ता दिखाया कहते वर्तमान प्रदर्शन, उसके बाद में फिर हम दीक्षा गुरु के पास चले, फिर जिन्होंने हमें दीक्षा प्रदान अनुग्रह की है। तीसरा है शिक्षा गुरु, बोले शिक्षा गुरु कौन हो सकता है, बोले शिक्षा गुरु सब नहीं हो सकते, सब नहीं हो सकते शिक्षा गुरु। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं शिक्षा गुरु वही बन सकते हैं हमारी जिसने हम जिस लाइन में हैं, जिस लाइन में हम है, जो हमारी गुरु जी का प्रति जिनकी श्रद्धा है, हमारी गुरु जी का प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और गुरु जी जिस लाइन में आए हैं, गुरु जी जिस लाइन में आए हैं हमें जो, इसलिए रूप गोस्वामी कहते ना वो श्लोक क्या है, रूप गोस्वामी कहते हैं सजातीय आशय सिद्ध साधु संग सजातीय होनी चाहिए, विजातीय होने पर नहीं हो हमारे शिक्षा गुरु नहीं बन सकते। सजातीय मतलब क्या, जैसे हम लोग महापुरुष धारा में चैतन्य महापुरुष धारा में हमारे लक्ष्य क्या है, हमारे लक्ष्य है राधा कृष्ण की सेवा निवृत्त निकुंज सेवा में राधा रानी की अनुगत्य में राधा कृष्ण की नित्य सेवा की हमारी वहाँ महाप्रभु की सेवा प्राप्ति है। कहते जो गुरुदेव हमें हमारी एक ही परंपरा होनी चाहिए है? एक ही परंपरा एक लाइन होनी चाहिए और हम जैसे कोई सीए कर रहा है और उसको इंजीनियर की पढ़ा होगा थोड़ी पुष्ट होगा नहीं होगा। जो सीए कर रहे हैं अगर ऐसे सीए में कोई अगर आडवान से कोई टीचर हो वो हमें सीए पढ़ा सकता है, सब नहीं सीए पढ़ा सकता है। उसी तरह कहते शिक्षा गुरु प्रभुपाद कह रहे हैं शिक्षा गुरु तुम्हारे कौन बन सकता है, शिक्षा गुरु वही बन सकते हैं सो जातीय, अपना जात बननी चाहिए। हम जिस भाव को लेकर के जिस लक्ष्य को लेकर के हम साधन कर रहे हैं उसी साधन के अनुरूप कोई साधु अगर हमें वो मार्ग पर हम चलाए वही शिक्षा गुरु हमारी बन सकते हैं। और हमारी गुरु जी के प्रति जिनकी निष्ठा है गुरु जी का प्रति जिनकी निष्ठा है वही हमारी शिक्षा गुरु बन सकता है। नहीं तो क्या होगा, हम चल रहे हैं इधर लेकिन हम कोई इधर ले जाएगा। गुरुदेव जी दत्तात्रेय जी थे उनके जो 24 गुरु थे फिर उनको क्या कहना, और जो 26 जो जिसमें जो शिक्षा दिया वो अलग है। अब देखना 26 गुरु को देखना उनने जो शिक्षा लिया है वो जैसे एक बेस्या से सीखा लिया, बेस्या से सीखा लिया, बेस्या से क्या सीखा लिया है उन्होंने, ये सीखा लिया बेस्या से वो विशेष सीखा लिया है वो जो क्या उसको क्या श्लोक याद नहीं आ रहा, उन्होंने बेस्या से सीखा लिया है आशा ही परम दुख निराशा ही परम सुख, ये सीखा लिया है। जो आशा है ये परम दुख का कारण ही आशा है, इसलिए इसको प्रति आशा नहीं करके निराश सही परम सुखम
निर्भर भगवान के प्रति करनी चाहिए तथा निर्भर एक वेश्या के प्रति करनी चाहिए। उन्होंने एक कन्या को शिक्षा रूप में ग्रहण किया, लेकिन क्या शिक्षा लिया, एक दर्शन करने के लिए आया लड़की को, दर्शन देखने के लिए आए, शादी होगी, घर में कोई है नहीं, आगे देखने के लिए। अभी वो सोच रही है भैया इनको क्या खिलाए, अभी तो घर में कुछ खाने के लिए नहीं, तब देखा धान है उसको उखल में छेच करके कूट करके चावल बना करके खिला, हाथ में छुड़ी पहनी हुई थी, जब उसने कूटने लगी और चुड़िया बजने लगी तो उसने देखा भैया उनको पता चलेगा घर कुछ है ही, अभी इसको कूट करके अब धान चावल निकाल कर खिलाए, बदनामी है, एक एक चूड़ी को से निकाल रहे। लेकिन जब तक उसको एक चूड़ी नहीं रह गई ना तब तक ठंडन ठंडन होते रहे, उन्होंने सब निकाल करके हाथों में एक चूड़ी रख दिया मतलब भक्ति करने के लिए तुम्हारा ऐकांतिक जरूरत है, ऐकांतिकता जरूरत है। तो यहाँ पर विश्वनाथ कुटक और एक बात कहते हैं, एक अच्छी बात कहते हैं, हमारे मंदिर में देखो 15-20 ब्रह्मचर्य, कोई कोई 100-100 ब्रह्मचर्य, फिर ये लोग क्या शास्त्र का विरोध कर रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं हाथ में जब तक एक एक चूड़ी नहीं रह गई तब तक वो ठंडन आवाज हुई, भक्ति करने के लिए अकेला भक्ति करना पड़ेगा, हमारे ब्रह्मचर्य मंदिर में तो इतने ब्रह्मचर्य। तो विश्वनाथ जी ठाकुर बहुत अच्छी बात कहते हैं लड़की हमारे देश में नियम है, लड़की जब शादी नहीं होती है ना हमारे देश में जो एक एक ही चूड़िया पहनती है, लेकिन वही लड़की जब शादी करके अपना ससुर घर में जाती है ना यहाँ से यहाँ तक चूड़िया पहनती हमारे देश में पूरा। बोले क्यों, कहते जब ससुर घर में जा कर जब सेवा करती है काम करती है वो चूड़ी की झनझन झनझन आवाज़ होती है, आवाज़ होने पर जो पति को गाने में बड़ा अच्छा लगता है, मेरी पत्नी घर की काम कर रहे हैं प्यार में नुपुर पहनती है, नुपुर की छम 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 जब चलती है छम 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 आवाज़ होती है पति को गाने में आनंद देता है। भगवान कहते हैं मैं कहाँ पर रहता हूँ, बोले मत भक्ता जत्र गायती तत्र तिष्ठा में नारा, भगवान कहाँ रहते हैं, बोले मत भक्ता या बहुवचन जत्र गायती जहाँ पर मेरे भक्त लोग बैठ करके मेरी चर्चा करते हैं, बैठ करके मेरे कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं भक्त लोग, भक्त लोग कौन एक तरह से भगवान की प्रिया है, भगवान की हरि कीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी की हरि कीर्तन कर रहे हैं, जैसे वो चूड़ी की आवाज़ जैसे छन छन आवाज़ जैसे पति को आनंद देता है, भगवान कहते हैं मेरे भक्त जब बैठ करके मेरी चर्चा करते हैं मेरे गुणगान करते हैं सुन कर मैं प्रसन्न होता हूँ। इसलिए यहाँ पर जो गुरु जो बताया जैसे उन्होंने चंद्रमा गुरु बनाया सूर्य गुरु बनाया, लेकिन ये जो शिक्षा लिया है उन्होंने, लेकिन ये परमार्थ शिक्षा नहीं, इसमें कोई परमार्थ की शिक्षा नहीं, एकांत में रहना और चंद्रमा को गुरु बनना सूर्य को गुरु बनना और हवा को जैसे गुरु बनाना, लेकिन यहाँ पर जो भजन विषय है ना यहाँ पर भजन विषय की शिक्षा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो रूप गोस्वामी कह रहे हैं हमारे शिक्षा गुरु कौन बन सकता है, लेकिन यह जो बात करें वो अंदर की बात है, एक होता है बाहर रूप में जैसे 24 से उन्होंने 26 चीज को ग्रहण किया, लेकिन ये जो चीज है तुम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हो, जैसे हम राम सीता की सेवा प्राप्ति करना चाह रहे हैं फिर हमको कथा कहाँ सुनना पड़ेगा, जो राम सीता की उपासक है जो उसके अंदर में प्रवेश उनसे जब सुनेंगे तब उनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हनुमान हमारे शिक्षा गुरु है इसमें बन सकते हैं, क्योंकि वो सीताराम के कहीं के भक्त हैं। अभी जो लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं तो उनका शिक्षा गुरु कौन बन सकता है, माँ लक्ष्मी बन सकती है, वह उसी संप्रदाय में जो साधु है वो बन सकता है, कैसे तुम लक्ष्मी नारायण की एकांत की सेवा कैसे प्राप्त करो। अब जो राधा कृष्ण की सेवा महाप्रभु चरण की सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं उसका किसको संग करना पड़ेगा, वहाँ पर तुम्हें स्वजातीय आश्रय सिद्ध अपना जात के भक्तों जो इसी लाइन में जो चल रहे हैं उनका संगत में करना पड़ेगा तभी उसमें पुष्ट हो सकता हो। इसलिए श्री विश्वनाथ ठाकुर जो राग वर्तम चंद्रिका ग्रंथ है उसमें भाव साबल्य भाव विरोध भाव अविरोध है उसने 4-5 चीज वहाँ पर बताए, उसमें जो बात बताई भाव अविरोध, भाव अविरोध मतलब क्या है, बोले तुम जिस भाव को प्राप्ति करने के लिए चेष्टा कर रहे हो
जिस भाव को प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हो, अगर वो भाव के बात नहीं बोल के कोई ज्ञान की बात बोले, अरे एक दिन जीव ही ब्रह्म है, भगवान को भूलने के नाते माया पकड़ लिया, भाई कृष्ण राम को ब्रह्म भी पकड़ करके राम कृष्ण बन करके आ गया, अभी तेरी जब मुक्ति हो जाएगी ना बस ब्रह्म में डूब जाओ, तो कौन है भाव विरोध ही हो गए हैं, भाव विरोध कहते भाव अविरोध, जो भाव का विरोध नहीं होता है। जैसे अगर हम सीताराम की कथा सुनेंगे नहीं तो लक्ष्मी नारायण की कथा सुनेंगे, लेकिन वो हमारी भाव को पुष्ट नहीं करेगा, लेकिन पुष्ट नहीं करने पर भी लेकिन हमारी हानि नहीं होगी, उसमें हमारी हानि नहीं होगी उसमें, क्योंकि भगवान की कथा है, कृष्ण राम की कथा है, नारायण की कथा है, लेकिन उसमें भाव की हानि नहीं होगी। लेकिन जो तुम्हारी भाव को जो बढ़ाने वाले, तुम्हारे जो भाव को आगे जो ले करके आपका लक्ष्य को जो प्राप्त करा लेंगे, उसके लिए तुमको सजातीय आशय से उसी के लिए, जैसे सीए कर रहे हो अभी, जो सीए में जो एक्सपर्ट है, ऐसे भक्तों का तुमको, ऐसे व्यक्ति को पास में पढ़ना पड़ेगा ना करके। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा में कहते ना, अपी तक लक्ष्मीपति रथ भी तव्य बनाई, अगर तुम राधा कृष्ण की प्रेम को पाना चाहते हो, यदि चरावासम ब्रजभूमि, अगर तुम ब्रजभूमि में राधा कृष्ण की जुगल सेवा को अगर प्राप्त करना चाहते हो, क्या करो फिर मुक्ति कथा व्याघ्र सर्वात्म, खबरदार कि मुक्ति की बात मत सुना करो, वो पूरा पूरा निकल जाएगा तुमको, है मुक्ति आत्मा को निकल जाएगी। और लक्ष्मीपति रथमी तो बेमनिनी कहते, जो लक्ष्मी की और नारायण की जो रहती है वैकुंठ में, अगर उनकी कथा सुनोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जो मन है ना उधर आकर्षण करेगा, फिर तुम उसी तरफ में चले, जिसकी महिमा सुनोगे ना मन तुम्हारी उसी तरफ में चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हमें जो संग करनी चाहिए, सो जातीय आशय सिद्ध, अपना जात का भक्तों का संग करने से फिर हमारे आगे हैं शुद्ध जो भक्ति है फिर आगे जा करके हमारे पड़े। इसलिए अनुकूल लेना कृष्णानुशीलना भक्ति रुतमा, उत्तमा जो भक्ति है अनुकूल लेना, अनुकूल लेना मतलब कृष्ण रुचमाना प्रवृत्ति है, और भक्ति कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलनम मतलब केवल कृष्ण नहीं कृष्णा, कृष्णा कौन है राधा रानी, जब तुम राधा रानी की अनुभूति में कृष्ण सेवा करोगे तभी तुम्हारी संपूर्ण यही उत्तमा भक्ति, यही उत्तमा भक्ति उपलब्ध। सही दिन ही गौर सुंदर सेवा लाभ, सही दिन ही अमरा श्री राधा गोविंद निवृत्त सेवा लाभ परिवार सौभाग्य पाई हो। राधा कृष्ण का निवृत्त सेवा कब प्राप्त होगा, तभी जब ऐसे गुरु परंपरा में महाप्रभु के अनुगत्य में जब हम गुरुवर्गों की सेवा करेंगे महाप्रभु के अनुगत्य। इसलिए अभी जो कीर्तन गा रहे थे ना, बोले गौर प्रेम रसार नवे से तरंगे जे बाडूबे से राधा माधव अंत रंग। इसलिए महाप्रभु का प्रेम रस में जो गोता लग रहेगा, राधा कृष्ण का अंतरंग सेवा को उसको ही प्राप्ति होगी। कहते महंत गुरुदेव के जखन साक्षात कृष्ण चैतन्य निज जन बलिया उपलब्धि है, तखन ही राधा गोविंद लीला कथा मधरे शुद्ध निर्मल हृदय स्फूर्ति हन। यहाँ पर क्या करे, गुरु कितने तरह का हो गए, तीन हो गए थे, एक रहता था पहला गुरु कौन है, पहले पथ प्रदर्शक गुरु, दीक्षा गुरु, और जो दूसरा गुरु हो गए दीक्षा गुरु, जिनसे हमने दीक्षा लिया शिक्षा, तीसरा गुरु हो गए जिनसे हम भक्ति की शिक्षा लेते हैं, हम उनको शिक्षा गुरु बताए, और एक हो गए महंत, एक हो गए अंतर्यामी गुरु, अंतर्यामी और चैत्य गुरु एक ही होते हैं, चैत्य गुरु एक होते हैं, कहते अंतर्यामी चैत्य गुरु एक ही होते हैं, क्योंकि जो हमारी हृदय से ही प्रेरणा देते हैं वो कौन है, कृष्ण स्वरूप, कृष्ण बंदे तो जगत गुरु है, क्योंकि वही हृदय से हमें प्रेरणा करते हुए हम यहाँ पर क्यों आए, प्रश्न होता है ना, हम ये महाप्रभु को लाइन में क्यों आए, फिर दूसरे संप्रदाय में क्यों नहीं, हम यहाँ तो लाया कृष्ण लाए, क्योंकि जिसको सुकृति
राम सीता के सुकृति संपन्न होगा, उनको जो चैतन्य गुरु उनको सीताराम का भक्त के पास मिल जाएगी, जिनकी सुकृति लक्ष्मी नारायण युक्त होगी उसको कहाँ ले जाएंगे, उनको कहाँ ले जाएंगे, उनको लक्ष्मी नारायण का भक्त के पास में उनको ले जाएंगे, हैं उनको वहाँ ले जाएंगे। और जिसको सुकृति राधा कृष्ण की प्रेम रसमय, भक्तिमन ठाकुर कहते हैं जिनको महाप्रभु धारा में जिनको सुकृति होगा अति भाग सौभाग्यवान है, उनको एक साथ में उनको राधा कृष्ण का दिव्य धाम में जैसे उनको सेवा मिलेगी और एक साथ में महाप्रभु का परिकर बन करके महाप्रभु का जो श्वेत धाम है उनको सेवा मिलेगी, एक साथ दोनों आने में उनकी सेवा प्राप्ति होगा। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं ये लोग बहुत सौभाग्यवान, बहुत सौभाग्यवान जो महाप्रभु की धारा में अंतर्भुक्त हुए हैं। जैसे रूप गोस्वामी महाप्रभु लीला में, रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में, जैसे सनातन गोस्वामी महाप्रभु लाइन में सनातन गोस्वामी रूप में महाप्रभु को सेवा कर रहे हैं, राधा कृष्ण की लीला में लवंग सेवा कर रहे हैं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु की लीला में ये रघुनाथ बन करके महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन रति मंजरी रूप में कहाँ सेवा कर रहे हैं, राधा कृष्ण की वृंदावन। जैसे राय रामानंद महाप्रभु की लीला में ये राय रामानंद, और श्री कृष्ण लीला में विशाखा, स्वरूप दामोदर महाप्रभु की लीला में ये स्वरूप दामोदर बन करके सेवा कर रहे हैं, कृष्ण लीला में बोला ललिता बन करके सेवा कर रही है। इसलिए कहते जो महाप्रभु की धारा में महाप्रभु की धारा में जो आए हैं इनकी सर्वश्रेष्ठ, इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते के जा भी रे भाई भव सिंधु पार धन्य कली युगेर चैतन्य अवतार, कहते जो कली युग है धन्य कली युग है, कहते इसी कली युग में जितने बड़े बड़े देवता भी इंसान बन करके महाप्रभु धारा में आना चाहते हैं, स्वयं देखो ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा जी महाप्रभु लीला में हरिदासठाकुर बन करके, स्वयं शंकर जी अद्वैत आचार्य जी रूप में आए हैं, अद्वैत आचार्य जी नारद जी श्रीवास पंडित बन करके आए, ये बड़े बड़े देवता भी महाप्रभु धारा में अंतर्भुक्त होकर क्यों महाप्रभु की धारा में आएंगे तो उनको एक साथ में दो प्रकृष्ट में उनकी सेवा की प्राप्ति। इसलिए अभी प्रश्न है हमें यहाँ खोलना है, हम तो और कहीं जा सकते थे ना, लेकिन जाकर के हमें यहाँ पर क्यों लाए, प्रश्न हम लाए कौन यहाँ पर, इसलिए बोले ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता के, तो ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान जीव को भक्ति लता के बीज कहाँ से प्राप्त होता है कैसे, बोले गुरु और कृष्ण, भैया आपको गुरु जी से हरिनाम लिया मंत्र लिया कृष्ण की आज्ञा, कृष्ण हमें क्या आज्ञा, बोले यहाँ लाने वाले कौन है कृष्ण, ये तो कृष्ण हमको दूसरी जगह भी पूछेंगे हमारे यहाँ पर क्यों लाए, और गुरु जी कहते थे हमारे नारायण गोस्वामी महाराज वही व्यक्ति ही इसी लाइन में आए हैं जिनकी महाप्रभु धारा में जिनकी जो स्वरूप में स्वरूप, क्योंकि नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय जाते था, नित्य सिद्धस्य भावस्य हर जीव के हृदय में नित्य सिद्ध रूप में एक भाव विद्यमान है, अलघड़ी विद्यमान है हमारे अंदर में, लेकिन ये चीज़ कौन जानता है, कृष्ण ही जानता है हमारे अंदर में क्या महाप्रभु को सेवा करने का कौन सा वृत्ति कौन जानता है, ये कृष्ण ही जानते हैं महाप्रभु जानते हैं, इसलिए उन्होंने हमें और कहीं नहीं लेकर के हमें महाप्रभु धारा में लिया, क्योंकि अलरेडी हमारी महाप्रभु धारा में ही हमारी स्वरूप व्यवस्थित है। देखो एक समय क्या हुआ, कोई एक दक्षिण देश के कोई एक भक्त था दशरथ, उसने क्या कि हठात उसने आए और हमारे गौड़ीय वैष्णव में कहीं उसने हरिनाम पे ले लिया, उसको ये हो गया ना उसको सपना आया उसका सपना आया लक्ष्मी नारायण के स्वप्न आए, अरे तू कहाँ चले गया तुम मेरा सेवक हो तुम वहाँ कहाँ चले गए घुस गया, इसे तू इधर आ जा वृंदावन में, हाँ वृंदावन पे आ जाता हूँ, हाँ उसको इधर बोले वो आ गया किसी तरह से हमारे गौड़ी संप्रदाय से किसी मिले माला ले लिया, उसको स्वप्न आया अरे तुम कहाँ चले गए हो, अरे तुम हमारे सेवक हो लक्ष्मी नारायण के सेवक वहाँ कहाँ चले गए, फिर उन्हें छोड़ कर फिर चला गया, फिर छोड़ करके चला गया, बोले मेरे को स्वप्न आ गई,
इसलिए जिसका अंदर में जो नित्य सिद्ध भाव होगा ना वो उधर ही उसको खींच करके उसके मन ही नहीं लगेगा चीज में, उसका मन तो और कहीं कहीं लग गया, उसका मन इसमें लगेगा। महाराज जी जैसे प्रायः देखा जाता है कि जैसे हमारे गौड़ी समुदाय में ना कुछ लोगों की रुचि राम कथा में बहुत होती है, सीताराम में बहुत निष्ठा होती, तो क्या ये बोल सकते हैं कि वो मतलब सीताराम हमारे जो महाराज है ना नारायण पहले इन्होंने जब रामचरित्र पढ़ते तो रोते थे गुरुदेव, रोते थे रामचरित्र पढ़ कर, और उनको बिहार के ना इसलिए राम कथा में बड़ी रुचि थी, बड़ी रुचि थी राम कथा में कि वहीं पर जन्म। लेकिन जब महाप्रभु की धारा में आए तो गीता मंत्री जब उन्होंने पहले गुरुदेव बोल रहे थे, पहले जब मैं रामचरित्र पढ़ता था मेरे को लगता था कि रामचरित्र मानस जैसे ग्रंथ दुनिया में कहीं नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। लेकिन गुरुदेव बोले मैंने चैतन्य चरिता मृत बड़ा ग्रंथ था, जब महाप्रभु की विचारधारा तो गुरुदेव उज्ज्वल अभ्य रस की रस का उन्होंने सुना है राधा कृष्ण के प्रेम भैया चैतन्य चरिता मृत दुनिया में कहीं नहीं, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम रस की जिसमें इतना सुंदर जिसमें विवेचना हुई। इसलिए पहले हमारे गुरुदेव पहले रामचरितमानस को पहले उसको भी पढ़ते थे, लेकिन जब महाप्रभु की धारा में आए अरे राधा कृष्ण की प्रेम रस अभी क्या है, रामचंद्र का जो भक्ति वो मर्यादा वही भक्ति है, जो भक्ति मर्यादा वही भक्ति है, वो प्रेम भक्ति नहीं है। इसलिए रामचंद्र सीता को त्याग दे दिए, लक्ष्मण को भी त्याग दे दिए, लेकिन कृष्ण किसको त्याग दिए, कृष्ण किसको त्याग ही नहीं दिए हैं। और राम अवतार में जब गोपियाँ बोले हमें गोपी रूप में सेवा तो उन्होंने नहीं दे पाई, क्योंकि उनका अंदर वो चीज़ देने का अधिकार ही नहीं, वो तो कृष्ण ही दे सकते हैं। जैसे रामचंद्र को देखा ना दंडकारण्य ऋषि कहते प्रभु हम तो गोपी भाव से बोले नहीं ये स्वरूप में नहीं दे सकता हूँ, इसलिए तुमको कृष्ण स्वरूप में ही दे सकता हूँ। ये सुपर्ण का आई ग्रहण नहीं कर पाए, कृष्ण लीला ने उनको पूजा रूप में उनको ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो कृष्ण है ना ये पूर्ण ब्रह्म है, कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म होने का नाते ये सब कुछ को उल्लंघन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण समर्थ है ना, तो समर्थ होने का नाते कहते समर्थ के दो सनाही होता ही, इसलिए जो समर्थवान होता है उसमें कोई दोष नहीं। जैसे आग में जो कुछ डालो ना वो जला करके राख कर देता है, उसी तरह जो कृष्ण है सर्व सोलह कला में परिपूर्ण होने का नाते वो सारे काम को वही कर सकते और कोई इस काम को कोई कर नहीं सकते। कहते हैं देखो अरे अच्छी तरह ये चीज़ को समझो, कृष्ण के अंदर में सारे माधुर्य, कृष्ण के अंदर में सर्व समर्थक और कृष्ण के अंदर में सारे रस कैसे विद्यमान, ये चीज़ को अच्छी तरह समझ लो। गुरुदेव की बात को समझाया करते थे, कहते कृष्ण भक्ति में कैसे सब कुछ, जैसे कृष्ण भक्ति में कैसे प्राप्त हो, जैसे रामचंद्र का सख्य रस में रामचंद्र का भी भक्त है, बोले कौन कौन है, सुग्रीव है, और कौन है, विभीषण है, और कौन है, गुह का चंडाल है, गुह का चंडाल इनके सब भगवान की मित्रता है। लेकिन जब राम दरबार लगता है, जब राम दरबार लगती है क्या सुग्रीव आकर के राम को जहाँ बैठते बगल में बैठ जाएंगे, एक आसने बैठ जाएंगे क्या, विभीषण आकर के रामचंद्र जी आसने में बैठे वो पास में बैठ जाएंगे क्या, गुह का चंडाल आकर प्रभु राम को शरण में गिरकर बैठ जाएगा, नहीं बैठ सकते। क्यों, फिर यद्यपि राम में सख्य रस है लेकिन जो सख्य रस है मर्यादामय है, गौरवमय, ये गौरवमय है, इसलिए बैठेंगे लेकिन दूर में बैठेंगे, दूसरे आसन पर बैठेंगे, दूसरे आसन पर बैठेंगे। अगर कोई इधर उधर होना, जैसे सुग्रीव थोड़ी सी इधर उधर किया, लक्ष्मण गया ऐठे डांट मारे उनको, बोले ये मत समझो राम का त्रुणी से पानी से खत्म हो गया, जिस बाण से एक बाण से बलि को मार डाल अभी भी बाण कहीं नहीं गया, अभी भी त्रुणी में कोई बाण है, वो बोले ना कांप उठा कांपते कांपता है। लेकिन कृष्ण जी ने देखो जैसे पूरा जैसे सख्य रथ का पूर्ण जैसे कृष्ण जी आसन पर बैठे खालो का कृष्ण भी सो रहे हैं, अभी कृष्ण सो रहे हैं, अभी गैया चरने का समय आ गया, सखा लोग क्या करेंगे, मैया बोलेंगे
अरे कन्या को मत उठाओ, रात भर सोया नहीं, सखा लोग तो जाकर बिस्तरा में, ए सारे अभी तो सो रहे हो, गैया सामने खड़े हैं, गैया अभी सामने खड़े जाने के लिए, आज बड़े दूर जाना है ना, तो अभी भी सो रहे बिस्तरा में जाकर, नहीं उठ उठ, जैसे कि दोस्त का दोस्त, जैसे कृष्ण किसी आसन पर बैठे हुए, सखा लोग क्या करते हैं पूरा उसको बगल में जाकर बैठ जाए, सारे तो अगले हट, इसलिए सखा लोग बोलते ना तुम ही कौन, बड़े लोग तुम ही आगे, तू किस चीज बड़े, श्रीराम के पता तेरे पिताजी का कितना गया, बोले 9 लाख, मेरे पिताजी का 11 लाख, किस चीज को तू बड़े, और तेरे को हम कुश्ती लड़ते लड़ते मैं तुमको पछाड़ देता हूँ, तेरे को मैं पछाड़ देता हूँ, किस चीज को तू बड़े हो, सखाओं को कई फल मिल गया, पहले एक बार खा लेंगे फल बड़ा पेशवा कृष्ण मिलेगा, क्या तू अकेले खाओगे मेरे को नहीं दोगे, वहाँ को फल के गुटों में खा मिल गया, बचपन में कुछ किया होगा कभी, हम लोग जो दोस्त थे ना हमारे घर जाते थे, जैसे प्यारा प्यारा होता है ना, एक बार हमने खाई एक बार उसको खाई, एक बार उन्होंने खाया, जैसे बचपन में यार दोस्त होता है ना, केवल ये कृष्ण ही अंदर में वो पूर्ण ब्रह्म होने का नाते कि सखा सख्य रस का जो आदान प्रदान है केवल कृष्ण ही दे सकते एकदम, है जैसे सखा में यार दोस्त में जैसे होता है ना, वो वात्सल्य वात्सल्य रस में कहते ना भाई प्रकट दयाला, क्या प्रकट प्रकट दयाला कौशल्या देखो, जब कृष्ण चतुर्भुज रूप में पहले दर्शन दिए हैं, जब चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए तो वो क्या कह रहे, बोले प्रभु आप तो हमने चतुर्भुज रूप में प्रार्थना ही नहीं किया, हम तो अपना बालक रूप में प्रार्थना किया है, हैं इसलिए बालक रूप में आप मेरे बालक बन करके आओ, इसलिए यद्यपि मैया कौशल्या की राम का प्रति वात्सल्य प्रेम है, लेकिन कभी सुना है कान पकड़ करके उठाए बैठा है, कभी उखल में बांध दिए, कभी डंडा लेकर धमकाए, कभी नहीं, क्यों, उनको क्या पता है राम कौन है, भगवान है, इसलिए इनके अंदर में जो वात्सल्य रस है वो पूर्ण नहीं, लेकिन मैया जो सदा को देखो जैसे छोटा बच्चे के शास्त्र में करते डांटते डपटते कान, मैया सीधा जा करके जब मिट्टी खाई सीधा कान पकड़े और कहीं नहीं, अपवित्र जिनका नाम लेने पर अपवित्र पवित्र व सर्वावस्था गतो विवाह जस मरेत मंडल का क्यों सब भाइया मित्र सोची, लेकिन माँ घर तो अपवित्र झूठ चोरे लवार ये कौन कहेगा, इसका अंदर में अपना बच्चे प्रति स्वाभाविक रूप में नहीं, ये मेरे लाला जब तक मैं नहीं खिलाऊंगी ये क्या खाएगा, अभी अगर हम शासन नहीं करेंगे बाद में बड़े चोर बन जाएगा तो दुनिया में बदनामी होगी, हैं इसलिए जो वात्सल्य रस में स्वाभाविक रूप में एक बच्चे का प्रति से माँ का ना किसी कौन सा लीला, कृष्ण और श्रृंगार रस में देखो, अगर कभी भगवान राम राम ने सीता को क्या किया, वनवास भेज दिया, उनको वनवास भेज दिया ना, लक्ष्मण को देख रहे जाओ उसको वन में छोड़ के आ जाओ, और जब सीता को लाए बोले अग्नि परीक्षा, उनको अग्नि परीक्षा करवाए, हैं रामलीला में उन्होंने परीक्षा करवाई, लेकिन ब्रजलीला में देखो अगर कृष्ण बोले बाहर से निकल जा, हम की बोले तू बाहर से निकल जा तू बाहर से निकल जा, हैं अगर जैसे राधा रानी मान करती है कृष्णा कहते राधा रानी कहते गिरिराज उठाने में मेरे को जो ताकत नहीं लगा, अघासुर बकासुर को पछाड़ने में जो ताकत नहीं लगता है, राधा रानी जो मान करती है उसको मान कर तोड़ने में उससे ज्यादा ताकत मेरे को लगती है, हैं गोपियों की तो चरण दबा देते हैं, कभी उनकी शरीर से पसीना पोंछ लेते, ये सब क्या चीज़ है, कहते स्वाभाविक रूप में एक जो प्रिया प्रियतम जो प्रेम है स्वाभाविक रूप में, हैं जैसे पति पत्नी कभी कभी पति को भी डांट देती है, डांट देती कि नहीं, तो ज़्यादा प्रेम होता है, डांट देती है शासन करती है, पत्नी अगर कभी मान कर ले पति मनाता कि नहीं, राम ने मनाया पिता पिता को मनाए, क्योंकि वहाँ पर जो श्रृंगार रस की पूर्ण अभिव्यक्ति पूर्ण प्रकाश उसने ए नहीं, लेकिन ये कृष्ण विद्यमान है केवल ये कृष्ण ही विद्यमान है, इसलिए कहते कृष्ण भक्ति जो पूर्ण ब्रह्म है ना, इसलिए कृष्ण के अंदर में जो रस की परिपूर्णता प्रकाश हुई और किसी को अंदर में पूर्ण प्रकाश नहीं,
इसलिए कृष्ण भजन में ही रस की बोले अखिल यथामृत मूर्ति, कहते सारे रस का जो मूर्तिमान रूप कौन है, बोले ये कृष्ण ही है और किसके अंदर में ये चीज विद्यमान है। इसलिए जो कृष्ण भक्ति करते, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुगत्य में जो व्यक्ति राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करते हैं, तो पूर्ण रूप में उनको रस की पूर्णता प्राप्ति उनको नहीं होता है और सबको रस की प्राप्ति नहीं होती। राधा गोविंद लीला कथा हमारे शुद्ध निर्मल हृदय परिस्फुट है, गौर प्रमाण ठीक है, हो गया समझ हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।